नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल चुनाव परिणाम आए, उन परिणामों से कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी है तो कहीं गम भी है। गम इस बात का कि कहीं सत्ता भी चली गई है, और गम इस बात का कि कहीं समीक्षा जो हो रही है वो ये बता रही है कि अगर किसी भी विषय को या किसी भी व्यवस्था को आप हल्का लेंगे तो उसका खामियाजा आपको वहाँ की सत्ता को गंवाकर उठाना पड़ेगा, जैसा कि हुआ भी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव, खतौली और रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव। परिणाम आपके सामने है कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट पर उनकी बहू और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की धर्मपत्नी यानी डिंपल यादव जीत कर आई, रिकॉर्ड वोटों से जीती। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो खतौली और रामपुर जो कि आजम खां की परंपरागत सीट मानी जाती रही, और ऐसा बोलबाला कि आजम खां जेल में निरुद्ध होते हुए भी चुनाव जीत गए थे, उस रामपुर सीट पर आकाश सक्सेना ने परचम लहरा के एक बार स्पष्ट कर दी है कि अब आजम युग सहायक पुराने समय की बात है, अब आजम खान का बोलबाला रामपुर से खत्म हो गया। ऐसा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, समीकरण ऐसे है कि पहले रामपुर का लोकसभा का उपचुनाव हारे, घनश्याम दास लोधी वहाँ पर जीत कर आए, और यहाँ पर इस बार रामपुर में विधानसभा सीट यानी आजम खां की जाने के बाद जो रिक्त हुई थी सीट वहाँ चुनाव हुए और आसिम रजा को यहाँ पर हार का सामना करने पड़ा। इसके अलावा जो मैनपुर चुनाव है खतौली, वहाँ पर जिस तरह से परिणाम आए वो परिणाम भी यहाँ पर संशय करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मात्र 8 महीने पहले जहाँ से भाजपा के विक्रम सैनी जीत कर आए थे, वहाँ पर उन्हीं की धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी महज 8 महीने बाद मदन भैया से हार गई। मदन भैया जो कि पुराने बड़े नेताओं में वहाँ शुमार हैं और सपा और रालोट के गठबंधन के प्रत्याशी थे, जीत गए वहाँ पर। और एक बात स्पष्ट होती है कि बदलाव के लिए 8 महीने ज़रूरी नहीं है। हालांकि खतौली सीट की अगर हम बात करें तो पहले भाजपा की सीट रही भी नहीं है, केवल 2 बारी वहाँ पर जीत हासिल हुई है, और 17 की और 22। 17 में जब पहली बार योगी सरकार बनी थी, उसके बाद 22 में दोबारा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, जिस तरह से हिमाचल के परिणाम आए, गुजरात के परिणाम आए, गुजरात में जहाँ पर बीजेपी ने 52% वोट बैंक के साथ 157 सीटें जीत ली, तो कहीं ना कहीं ये बात तो बताते हैं कि गुजरात में 27 साल बाद भी लगातार बीजेपी की परंपरा जारी है, तो कहीं ना कहीं मोदी का गृह राज्य यानी प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में अपना परचम लहरा पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर दहाई का आंकड़ा भले ही पान ना किया हो, पर वहाँ पर जीत दर्ज कर अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी की लिस्ट में शुमार जरूर कर लिया। पर इन तमाम कयासों के बीच यहाँ पर जिस तरह से हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हुआ, हर बार होता था, पर इस बार बीजेपी पूरी आश्वस्त थी कि वहाँ पर हम जीतने वाले हैं, पर जिस तरह से वहाँ भीतरघात हुआ, असंतुष्टों को नहीं मना पाए, और जो 1% वोट बैंक से या वोटिंग से या वोट प्रतिशत से बीजेपी वहाँ सत्ता बनाने से रह गई है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि जो बीजेपी से असंतुष्ट जो उनके नेता थे जो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनके पास 10% वोट आए, तो कहीं ना कहीं जो 9% वोट बैंक और मिल सकता था, वोट प्रतिशत बढ़ सकता था, और शायद हिमाचल में दोबारा सरकार बनाई जा सकती थी, वहाँ पर भी परंपरा को शुरू कर सकते थे, पर यहाँ पर परंपरा चल नहीं पाई और यहाँ पर व्यवस्थाएँ उल्टी हो गई और कांग्रेस को यहाँ पर संजीवनी मिल गई। संजीवनी इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह यूपी में चुनाव प्रभारी बन के आई थी, लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा दिया, उसके बाद लगातार वो सक्रिय नजर आ रही थी, उसके बाद 40% महिलाओं को टिकट दिया, तमाम तरह के स्वीकृत जारी हुए, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपने सारे प्रदेशों के बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री है सबको बुला लिया, सब ने यहाँ पर स्वीकृत जारी किए और अपने अपने क्षेत्र की जो कार्यकाल है, अच्छाइयाँ हैं वो बताई, पर परिणाम क्या रहा वो तो आपको भी पता है और आम जनता को भी पता है और शायद कांग्रेस को भी पता है। पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो चुनाव परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं ये सपा के लिए थोड़ी सी राहत जरूर हुई होगी। राहत दो तरह से यहाँ पर है कि राहत ये है कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव
ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया है और उन्होंने अपने भतीजे के साथ दोबारा कंधे से कंधा मिला दिया है। और कंधे से कंधा मिलाते ही यहाँ पर डिम्पल को मैनपुरी में जीत मिल गई। बस जाहिर तौर पर बात है, अगर पुराने चुनाव की बात करें 19 के चुनाव पर, वहाँ पर भी मुलायम सिंह यादव को जसवंत नगर से खासी वोट बैंक मिला था, उसी वोट के चलते वो वहाँ पर जीत कर भी आए थे। तो मैनपुर चर्चा है, उस पर हम अपने मेहमानों से रूबरू आपको करा दें, क्योंकि मैनपुर चर्चा में बात करने के लिए आपको मेहमान से रूबरू करा रहा हूँ। हमारे साथ नेता भाजपा के रूप में केसी भाई अपना पक्ष रखेंगे, नितिन सिंह यादव भाई समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश मिश्रा भाई रालोद प्रवक्ता के रूप में पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर पवन श्रीवास्तव जी अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता आपके रूप में इमरान लतीफ भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला मेरा सवाल रहेगा नेता भाजपा से, केसी भाई, भाई आश्वस्त थे आप मैनपुरी जीतने के लिए और खतौली रामपुर के लिए, पर फिलहाल यहाँ पर रामपुर जीते और इसको जीत कोई बुरा नहीं कहेंगे, बुरा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर आप जीतते ही नहीं थे भाई। पहले लोकसभा चुनाव आप जीत कर आए और रामपुर में आपकी सीट ही नहीं थी, मतलब आप जीते ही नहीं कभी, और यहाँ पर रामपुर जीत के आए तो ये उपलब्धि तो जरूर है, पर एक दर्द भी है यहाँ पर है कि खतौली हार गए भाई। दो बार से जीत रहे थे, इस बार हार गए, ये दर्द भी है। मैनपुरी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मैनपुरी तो भाई आप अस्वस्थ जरूर थे, पर चूंकि हमेशा कहा जा रहा था कि वहाँ पर सपा का परचम ही लहराएगा और कयास भी लगाए जा रहे थे, पर कहीं ना कहीं इन जीत का और इस हार का कुछ मंथन तो करना होगा, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गौरव जी, जी भारतीय जनता पार्टी जी किसी भी चुनाव को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ लड़ती जी। और रही बात उत्तर प्रदेश के चुनावों के परिणामों को लेकर के जी, तो देखिए आपने अपने प्रोमो में भी बताया, बार बार आपने उस चीज को दोहराया भी जी, कि खितौली भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं रही है जी। लेकिन आप ये भी देखिए कि रामपुर भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही जी। लंबे समय से आजम खान जी का उस पे कब्जा था जी, और जनता वहां से आजम खान जी को लोकसभा और विधानसभा में भेजती थी जी। लेकिन आप देखिए चाहे उपचुनाव रहे जी, वो चाहे रामपुर का रहा या आजमगढ़ का रहा जी, और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की और दोनों जगहों पे लोकसभा दोनों सीटें उपचुनाव में जीती जी। और रामपुर अभी आप देखिए, रामपुर 33,000 से ज्यादा वोटों से रामपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की जी। और देखिए जहां तक मैनपुरी की बात है, खैर आपने भी सही बात कही कि उसपे ज्यादा चर्चा से कोई मतलब नहीं है जी, क्योंकि दावे तो सब लोग कर रहे थे लेकिन जो तस्वीरें थी वो भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वो एक तरीके से परंपरागत सीट रही जी। और देखिए नेताजी मुलायम सिंह यादव पक्ष विपक्ष जहां वो जब भी सहयोग और आवश्यकता की बात होती थी, कोई अगर परेशान होता था किसी से, तो मुलायम सिंह यादव जी में ये खूबी थी कि दुश्मनों को भी दोस्त बनाना वो जानते थे। अच्छा। और तमाम सारे पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी की वजह से समाजवादी पार्टी में गए। अच्छा। इसको भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। और नेताजी को चाहे आप देखिए जिस समय शपथ ग्रहण था उत्तर प्रदेश में, उसमें भी मुलायम सिंह यादव जी को बुलाया था और उन्होंने मोदी जी से भी वार्ता की थी, मंच पे कार में भी वार्ता की थी, उसकी भी कुछ चर्चाएं रही। तो मुलायम सिंह यादव जी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी विशेष के थे, लेकिन राजनीति में उन्होंने एक अपना एक कद बनाया था और उसी कद का ये परिणाम रहा। देखिए तमाम सारी बातें हो रही कि शिवपाल जी मिल गए इसलिए है, डिम्पल जी चुनाव लड़ी इसलिए है, या अखिलेश जी ने मेहनत की इसलिए है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरा की पूरा चुनाव जो है वो मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर लड़ा गया। अच्छा। और उनकी परंपरागत जिस तरीके से सीट थी और 10 अक्टूबर को उनकी अंत्येष्टि के बाद ये बिल्कुल तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी से जो भी खड़ा होगा तो कम से कम एक बार फिर से नेताजी को ध्यान में रख, मुलायम सिंह यादव जी को ध्यान में रख करके सहानुभूति वोट की वजह से वो सीट एक बार समाजवादी पार्टी जीत सकती है। कैसे भाई? हुआ भी जी, वही हुआ जी। खतौली में मदन भैया की आज उन्होंने मुलाकात की आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने सहयोग हमको किया है और सहयोग के साथ शायद 24 में भी हम साथ में जाएंगे। यहाँ पर सपा रालोर और मेरे ख्याल से आजाद समाज पार्टी जुड़ गई है, तो आजाद समाज पार्टी कही जाती है भाई दलित वर्ग की पार्टी है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा पश्चिम में?
नहीं, आप ये देखिए गौरव जी जी कि अभी जैसे नगर निकाय के चुनाव होने जी, और बातें ये भी हो रही थी कि भाई अब चूंकि शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी मिल गए हैं जी, और एक दो घटक दल और उनके साथ आ गए हैं, तो इसमें कुछ चमत्कार दिखाएंगे जी। अगर चमत्कार होना था तो ये रामपुर में चमत्कार क्यों नहीं हुआ? अच्छा। अभी की अभी सीट में चमत्कार क्यों नहीं हुआ? अच्छा। और दो दो उपचुनाव हुए रामपुर का भी और राजमगढ़ का लोकसभा, तब चमत्कार क्यों नहीं हुआ? अच्छा। और इसके पहले एमएलसी के चुनाव हुए, एक भी सीट का खाता नहीं खुल पाया जी। और दूसरी बात ये कि शिवपाल जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी अच्छा। जब इसके पहले के नगर निकाय चुनाव हुए थे तो एक ही थे, तब तो अलग नहीं थे। 2012 से लेके 2017 तक पूर्ण बहुमत की अखिलेश यादव जी की सरकार रही। इस चीज का डर और भय था कि कांग्रेस को साथ में लेकर के इन्होंने गठबंधन बना के 100 सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ा। अगर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अगर आपने काम किया था, तो आपको डर किस बात का था? क्यों आपको 100 सीटें गंवानी पड़ी? ऐसे ही बिना बिना लड़ाई आपने 100 सीटें कांग्रेस को दे दी। अच्छा। और कांग्रेस का क्या जनाधार था? यानी कि डर भय उनके अंदर पहले था। और वही डर भय जब लोकसभा की उपचुनाव की सीटें थी आजमगढ़ की और रामपुर की, इसीलिए प्रचार नहीं किया अखिलेश यादव जी ने कि अगर हम प्रचार करेंगे तो मोहर मेरे ऊपर लग जाएगी, कि आपने मेहनत की, आपने प्रचार किया, तब भी चुनाव हार गए। ऐसे कम से कम कहने को बचेगा कि हम प्रचार करने जाते तो चुनाव जीत जाते। और वही हुआ भी कि डिंपल जी के चुनाव में खुद प्रचार करने आए तो जीत गए, इसीलिए वहां दो दो सीटें उनकी हारना तय था, उन्होंने वहां पे प्रचार करने ही नहीं गए। अच्छा, आप मानते हैं कि अगर अखिलेश यादव जाएंगे तो जीत जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये एक परसेप्शन बनाया गया। अच्छा। कि अगर जाते तो, यानी कि जैसे कि तो भाई आपको था यार, समाजवादी आपको था कि अखिलेश यादव प्रचार करने जाते जीत जाते? अरे मेरी बात सुनिए जी, वो एक परसेप्शन बनाया कि अगर वो जाते तो, अच्छा, वो नहीं गए तो हार गए। अच्छा। यानी अपने आप को बड़ा नेता साबित करने के लिए वो चुनाव में नहीं गए। अच्छा। और वही चीज, वही जब सलाह दी शिवपाल यादव जी ने कि आपको जाना चाहिए, अच्छा, तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया। अच्छा, तो कितने दिन के लिए मतभेद खत्म हो गए, साथ में आए, कितने दिन के लिए विलय? अरे क्या आप बोल रहे हैं, यह विलय भी हो गया, पार्टी में विलय भी हो गया है, झंडा ही पकड़ लिया, साथ भी हो गया, दिन क्यों इतने दिन के लिए? वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। हमने जो बात कही, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, हाँ। रामपुर का, आजमगढ़ का, गौरव जी, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वहां प्रचार करने नहीं गए थे और प्रचार करने की सलाह शिवपाल अच्छा। यादव जी ने दी थी अच्छा। और राजभर जी ने दी थी, हाँ। दोनों को कहा नहीं आप बाहर जा सकते हैं, रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है, आप सलाह चाचा भतीजे हैं अगर कोई, और अब कितने दिन के लिए गठबंधन है? अच्छा, ये तो आगे आने वाला चुनाव बताएगा। नितिन भाई बताएंगे आप तो, नितिन भाई भाई फिलहाल तो आपने जो परचम लहरा दिया है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर संजीवनी के रूप में काम करने वाली है, पर जिस तरह से यहाँ केसी भाई तो बधाई दे रहे हैं भाई जी, केसी भाई तो बधाई दे रहे हैं, केसी भाई बोल रहे हैं जी, को बधाई, अखिलेश जी को बधाई इसके लिए, नितिन भाई पर केसी भाई बोल रहे हैं यहाँ पर जो विलय हुआ है, प्रतिपक्ष का सपा में झंडा पकड़ लिए हैं, दोनों चाचा भतीजा साथ हो गए हैं, तो इनको बड़ा दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं चलने वाला नहीं है, कितने दिन साथ रहेगा भाई जी? धन्यवाद गौरव जी। जी सबसे पहले जी। मैं आपके टाइम टीवी के माध्यम से जी मैनपुरी की जनता को जी वहां के देवतुल्य मतदाताओं को अच्छा आभार व्यक्त करता हूं, जी। उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 288,500 मतों से आदरणीय डिंपल यादव जी को जिताकर जो प्रचंड जीत दी है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। दूसरा, उत्तर प्रदेश के समाजवादी के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जी धन्यवाद, आभार कि उन्होंने पूरे जोश और खरोश के साथ जिस तरीके से अपना उत्साह दिखाया, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जबरदस्त पीड़न, जबरदस्त प्रशासनिक दबाव के बावजूद जो चट्टान की तरीके से सीना तान कर खड़े रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद अपने साथी केसी भाई को, उन्होंने कम से कम आज माना कि हमारे नेताजी हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह की कम से कम उनको अच्छाइयां तो आज दिखाई पड़ी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करना चाहता हूँ कि देखिए अभी बात हो रही थी कि माहौल बनाने की, भारतीय जनता पार्टी दो तीन बातें करती है, एक्चुअल में ये हार पर कोई चर्चा नहीं करते, अपनी हार पर, ये सिर्फ अपनी जीत पर चर्चा करते हैं और विरोधियों की हार पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लंबी हार हारी है, दिल्ली से MCD उनके हाथ से निकल गया, हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार इनके हाथ से निकल गई जी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दावा ठोक रहे थे, एक बात ये कह रहे थे कि हम
मैनपुरी का चुनाव लड़े हैं, नेताजी की सहानुभूति का वोट मिला है निश्चित रूप से, जनता के दिलों में उनके प्रति सम्मान था, वोट मिला। लेकिन वही बगल में खतौली सीट भी भारतीय जनता पार्टी लड़ी, क्या वहां पर विक्रम सैनी के अपदस्थ होते ही उनके सजा याफ्ता होते उनकी पत्नी लड़ी, तो क्या उनको भी कोई सहानुभूति मिल सकती थी इस तरीके। और अब बात आती रामपुर, जिस तरीके से इन्होंने रामपुर कहा, रामपुर में वोटों की हार नहीं हुई, वहां वोटों की एक डकैती डाली गई। अच्छा। आप सबने देखा, एक तो मतदान 34% मतदान हुआ, ठीक। अच्छा। जिस तरीके से मतदान करने से रोका गया, ये आप सबके चैनलों दिखाया, तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पर नहीं जाना। अच्छा। अब बात आती है काउंटिंग, वोटिंग में तो जो कर सकते थे वो किया, 20 राउंड तक की काउंटिंग हुई। 20 राउंड की काउंटिंग के बाद जब प्रत्याशी 6,000-7,000 से असीम रजा आगे हुए, उसके बाद आप सब गवाह हैं इस बात के कि काउंटिंग रोक दी जाती है, सारे मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया जाता है, बंद कर दिया, जो भी सूत्र बाहर खबर दे सकते थे सबको बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद 27 राउंड तक की कोई काउंटिंग नहीं दिखाई जाती है, और सीधे सीधे इसके बाद कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर दी जाती है। ये एक सच्चाई है जो आप सबके सामने है। अब बात आती है कि जिस तरीके से हमारे साथी कह रहे थे, हमारे चाचा और शिवपाल सिंह की बात कर रहे थे, देखिए जहाँ चार बर्तन होते हैं तो कभी कभी खटकाव होता है, खरक जाते हैं। और एक बात सच है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति नाना। अच्छा। तो जब एक पारिवारिक खुशमिजाजी से बात कर रहे हैं आज जी। नहीं, खुशमिजाजी से हमेशा मैं बात करता हूँ जब तक सामने वाला उत्साह नहीं। अच्छा। ठीक, जब सामने वाला अभद्र भाषा का प्रयोग करता है जी। तो मैं क्रिया की प्रतिक्रिया देता हूँ। अच्छा, तभी भी गौरव भाई आपने देखा होगा जी। मेरी तरफ बड़ी लंबी लंबी प्रतिक्रिया है भाई। मेरा विषयांतर कर दिया एक तो जी। मेरा फ्लो तोड़ दिया गौरव भाई। कैसी भाई भी हमारे पुराने साथी है, ये भी समाजवादी रहे हैं, नेताजी के साथ रहे हैं। अच्छा। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि मेरी तरफ से आज तक कभी किसी चैनल पर कोई अभद्र टिप्पणी शुरुआत नहीं होती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है। अच्छा। और हमारे नेताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करता है तो देखिए फिर मैं इस मामले में क्रिया की प्रतिक्रिया अच्छे से करता हूँ। अच्छा। इस पर भी मैं बदनाम हूँ जी। तो इसलिए मैं जैसे आज स्वस्थ माहौल है। अच्छा। अच्छी बात कर रहे हैं केसी भाई, तो स्वस्थ देता हूँ। और मैं भी कोई उस दिशा में जाना नहीं चाहता हूँ, वो भी गुजरात की जीत एंजॉय करे। अच्छा। और हम भी अपने मैनपुरी और अपने पर एक सवाल मेरा रहेगा, छोटा सवाल रहेगा, मेरा सवाल ये रहेगा, आप कह रहे हैं यहाँ पर कि एकदम से वोटिंग बंद कर दी गई, उसका क्या ऐसी कुछ चमत्कार बीजेपी चाहती हिमाचल में दिखा लेती, सरकार भी वहां पर थी। देखिए गौरव जी बिल्कुल ठीक बात जी। गौरव बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कहीं कहीं चल पाता है, कहीं अच्छा। नहीं चल पाता। देखिए अच्छा। इन्होंने मैनपुरी में खूब प्रयास किए। अच्छा। खूब प्रयास किए, हमारे ब्लॉक प्रमुख को उठाया, तमाम नेताओं को उठाने का प्रयास किया। अच्छा। लेकिन एक आदमी को आपने उठाया, हमारा 200 आदमी जाके थाने बैठ गया। अच्छा। ठीक, आपने पुलिस के दरोगा कह रहे नहीं मैं तो प्रमुख जी को लाया हूँ, इनसे बात करूंगा, और आप जनता कह रहे हम भी बैठे हमसे ही बात कर लो। अच्छा। ठीक, जब हम प्रशासन पे भारी हो जाते हैं ठीक है, तो निश्चित रूप से प्रशासन कमजोर पड़ता है, कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ता या ऐसी परिस्थिति होती है। देखिए वो एक वो जो रामपुर हमारी सीट थी। अच्छा। वो एक विशेष संप्रदाय की सीट थी। अच्छा। वहां पर ये प्रयास कर रहे थे हम लोगों ने, देखिए वहां पर बचाया, ये चुनाव आने वाला चुनाव जो 2024 के लिए प्रयास कर रहे थे किसी भी तरीके से, और यही प्रयास इन्होंने मैनपुरी में भी किया। अच्छा। और मैनपुरी में आपने पूरी स्पीच सुनी होगी आदरणीय डिंपल यादव की, आदरणीय अखिलेश यादव जी की, और हम सब की। हम लोग ये कहते रहे कि प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि आप लोगों को उकसाएगा, झगड़ा करेगा, हमें जोश में नहीं आना है, लड़ाई नहीं करनी, हमें लाइन में लग के चुपचाप वोट डाल लेना है, ये रोकेंगे हम लौट जाना, फिर अपना चले आना अपना कार्ड लेकर के, झगड़े से बचना, क्योंकि प्रशासन ये चाह रहा था कि झगड़ा हो, पुलिस से हमारे वोटरों को पिटवाया जाए, कार्यकर्ताओं को पिटवाया जाए और मतदान कम कर दिया, यही काम वहां किया उन्होंने। और हम लोगों ने प्रयास किया कि झगड़ा ना हो, क्योंकि ये चाहते थे कि वहां रामपुर में झगड़ा हो जाए, हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा किया जाए और फिर पूरे देश तो ये समाजवादी ये तो हार मान के चल रहे थे तीनों सीटों पे। अच्छा। लेकिन चूंकि दो सीटें जीत गए, ये डिंपल जी की सीट और दूसरी जो है दूसरी सीट भी जीत गए, तो ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में इनके लिए कहना मजबूरी हो गया कि भाई रामपुर में तो बीमारी हुई लेकिन दो जगह बीमारी नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक, दो जगह बीमारी नहीं हुई तो नहीं बीमारी हुई मतलब रामपुर में बीमारी हुई, काउंटिंग में बीमारी हो गई। अच्छा ये तो वजीर काउंटिंग मारपीट ये सारी तैयारी पहले करके बैठते समाजवादी पार्टी के लोग पहले करके बैठते लेकिन अब तो उल्टा दाव पड़ गया ना, अब तो दाव उल्टा पड़ गया क्योंकि डिप्पा जी चुनाव जीत गई और दूसरी सीट भी जीत गए तो अब क्या करें, अब कैसे कहे बीमारी हो गई बीमारी हो गई। अरे बीमारी हो रही थी तो 3 लाख वोटों के डिफरेंस से कैसे आप जीत गए, आपको 3 लाख वोट मिले आपको 6 लाख वोट मिले वो तो हम भी कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं बीमारी हो गई तो अब तो मजबूरी है ना। अरे यही तो प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के सफलता का, तो अब मजबूरी का क्या है, बदलाव की शुरुआत कर चुकी है, बचारी शून्य होता है तो अब शून्य हो गया, शून्य हो गए आप लोग, कह रहे शून्य हो गए आप लोग। हमने आपसे आदरणीय यादव जी लगभग 3 लाख वोटों से जीत गए तो ये जो इनका प्रशासन बनाते थे जो कह रहे इतने यादव है इतने मुसलमान है। ठीक है हो गया अरे अरे जी हो गया, यहाँ पर सारे रिकॉर्ड टूट गए, सर्व समाज ने सर्वारा ने वोट दिया है और सबका धन्यवाद। ठीक है हमारे साथ वीर प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। वीर भाई यहाँ पर आपके और सपा के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया को जीत हासिल हुई है, निश्चित रूप से आप तमाम चीज़ों को बता रहे थे कि वहाँ पर खतौली में रालोट बड़ी मजबूत है और यहाँ पर रामपुर और मैनपुरी में रालोट की महत्वपूर्ण भूमिका रही, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आने वाला समय क्या बताने वाला है, क्योंकि निकाय चुनाव होने वाले हैं, 24 चुनाव होने वाला है, किस तरह यहाँ चुनाव में जाएंगे और इन जीतों से क्या संजीवनी मिली है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए गठबंधन की बात करें और अपनी व्यवस्थाओं की बात करें तो अपने को आगे भी रखना है और जीत के मायने क्या है आपके लिए। जी देखिए गौरव जी, जी जनता ने हमको जीत दिलाई जी, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं जी, और हम गठबंधन में हैं जी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद पार्टी जी, स्थानीय निकाय चुनाव में भी हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे जी, और उसी पर हम जनता के बीच में जाएंगे अपने मुद्दों के आधार पर जी। रही बात खतौली में जो चुनाव हुआ जी, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था दंगा और हमारा मुद्दा था गन्ना, हमारे उनके मुद्दे भिन्न थे, तो किसानों की बात करते हुए हम खतौली चुनाव में उतरे जी, और वहां की जनता के सामने हमने मुद्दे रखे जी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दे रखे जी। ठीक है, जनता ने जनादेश दिया, हम चुनाव जीते, चूंकि जीत हार दो में से एक ही होनी है जी। रही बात तो मैनपुरी में, तो ये पहले से तय था कि डिंपल जी को चुनाव जीतना ही जीतना है, माननीय नेताजी की सद्भावना उनके साथ और आशीर्वाद था जी। रामपुर के चुनाव की जो बात होती है, खतौली के चुनाव की बात होती है, मैनपुरी के चुनाव की बात होती है जी, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव तब हारेगी जब चुनाव लड़ेगी जी। चुनाव तो वहां का प्रशासन लड़ रहा था, मैं तो खतौली में ही था, पूरा 20 दिन रहा हूं। रामपुर में जी बूथ संख्या 23, बूथ संख्या 74 पे जी, बूथ संख्या 23 पे 1054 वोट हैं, 88 वोट पड़े हैं। अच्छा बूथ संख्या 74 पे, अच्छा अरे अब जीत पे, अब जीत अब क्या नहीं, देखिए जीत की बात गौरव जी नहीं है, अच्छा बात यह है कि प्रशासन की जो गतिविधियां हैं, अच्छा संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आरोप लग रहा है जी, तो ये प्रत्येक नागरिक के लिए चिंता का विषय है। अच्छा हमारे चुनाव जीतने से और हारने से, अच्छा इन संस्थाओं पर लगे हुए दोष, अच्छा समाप्त तो नहीं हो जाते। अच्छा हम आज भी वहां के जिला प्रशासन के विरुद्ध, सीओ खतौली के विरुद्ध, वहां के सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प है और लगातार हमारी लिखा पढ़ी अच्छा चुनाव आयोग से चल रही है, जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छा और हम उस पर कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल मेरा स्पष्ट कथन है, चुनाव जीत जाने से समस्या का समाधान नहीं। अच्छा लड़ेंगे अभी, यानी आप हम लड़ेंगे, आपका कहना है कि और
इसमें न्याय हमको मिलेगा निश्चित रूप से। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है रामपुर का, वहां भी बात चल रही है और निश्चित रूप से इसमें जिला प्रशासन की जो भूमिका संदिग्ध रही है उसको आईना करेंगे और देश और प्रदेश के सामने इन संवैधानिक संस्थाओं ने जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया है इसका बिल्कुल प्रदर्शन होगा और विधिवत यह जानकारी दी जाएगी कि जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक कमिश्नर सीओ सब इंस्पेक्टर की क्या भूमिका है। अच्छा, क्या वो इसलिए बैठा ले गए हैं कि वो हमारे संवैधानिक अधिकार से हमको वंचित कर देंगे, हमें अपने मौलिक अधिकार से वंचित कर देंगे? आखिर 31% मतदान हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज तक क्या जिला प्रशासन से चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी हासिल की आखिर इतना मतदान कम कैसे हुआ? गौरव जी, बात इस बात की है कि मतदान कम हो या ज्यादा हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार को प्रयोग करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अच्छा, फिर उन मतदाताओं के ऊपर लाठियां कैसे चलाई गई? आपका कहना है रामपुर में जास्ती हुई है? रामपुर में जास्ती हुई, खतौली में जास्ती हुई, मैनपुरी में जास्ती हुई। अच्छा, क्या चुनाव जीत जाने से इन लोगों के द्वारा की गई जास्ती समाप्त हो गई? अच्छा, आप बताइए कि इनके मंत्री जी अच्छा वहां मतगणना स्थल पर जाने का जब उन्होंने प्रयास किया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। अच्छा, जिला प्रशासन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसके अंदर उनको पहुंचा पाते। अच्छा, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में टकराव जनता का जो होगा वो किसी भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि सीधे प्रशासन से होगा। अच्छा, इसके बिल्कुल स्पष्ट संकेत इस चुनाव में दिखाई दे गए हैं। ठीक ठीक, और ये इस देश के लिए, संविधान के लिए और व्यक्ति के लिए, आम नागरिकों के लिए शुभ संकेत नहीं है। किसी भी बार लूंगा आपको चुनाव में जी। हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में इमरान भाई पहुंच चुके हैं। इमरान भाई, भाई यहाँ पर जिस तरह से आपको यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, आपको मुबारक हो, सबसे महत्वपूर्ण बात। और साथ साथ MCD में जीत हासिल की है और गुजरात में आपने अपना खाता खोल लिया है, तो खाता खोलना वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। कांग्रेस जो कि वहाँ पर नुकसान में गई, आम आदमी पार्टी वहाँ पर अपना संगठन मजबूत कर दिया। जीत भले नहीं पाए, दावे तो तमाम किए गए थे, पर जीत के मायने क्या है और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में किस तरह देखते हैं कि जीत किस तरह काम करने वाली है? देखिए गौरव भाई, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के अपने एक एक संघर्षशील कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि एक मुद्दों की राजनीति करने वाली, काम के दम पर वोट मांगने वाली पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये सबके लिए हर्ष का विषय है, सबके लिए खुशी का विषय है, सबको मुबारकबाद, सबको बधाइयां। जहां तक इस बार 3 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर और दिल्ली के अंदर, दिल्ली के MCD में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। जो भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना गढ़ था, जिसको वहां से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे मजबूत किला माना जाता है पूरे देश के अंदर, वहां पर आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में सेंधमारी करने का काम किया। 13% वोट मिले, 5 प्रत्याशी हमारे जीते, 37 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे, कई सीटों पर हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे। तो कुल मिलाकर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने गई, चाहे वो पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, अभी MCD की बात करें, गुजरात की बात करें, जो कुछ आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, जो कुछ समर्थन और प्यार जनता का मिला है, वो सिर्फ इस वजह से मिला है कि आम आदमी पार्टी ने अपने काम के नाम पर वोट मांगा था, अपने गुड गवर्नेंस के नाम पर वोट मांगा था, मुद्दों की राजनीति की थी। उदाहरण के तौर पर जब हम गुजरात के अंदर चुनाव लड़ने के लिए गए तो हमने वहां बेरोजगारों की समस्या उठाई, 22 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, इस समस्या को आम आदमी पार्टी ने उठाया। जहरीली शराब से गुजरात की जनता परेशान थी, समस्या को आम आदमी पार्टी ने उठाया। खाद बीज पानी के लिए और फसलों के दाम के लिए वहां के किसान परेशान है, इस मुद्दे को अगर किसी ने प्रमुखता से उठाया तो आम आदमी पार्टी ने उठाया। गुजरात के सरकारी स्कूल खस्ता हाल थे, इस मुद्दे को किसी ने उठाया तो आम आदमी पार्टी ने उठाया। कम से कम पहली बार गुजरात के चुनाव में मुद्दों की हनक दिखी, वो आम आदमी पार्टी की वजह से दिखी। और वही मामला रहा कि 100 में से 13 लोगों ने गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को वोट करने का काम किया। तो अब जो लड़ाई अभी सीमित दायरे में थी, वो लड़ाई अब राज्य दर राज्य, हर राज्य में फैलेगी। आम आदमी पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर, सशक्त विपक्ष के तौर पर, व्यवहारिक विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सभी राज्यों में चुनौती देने का काम करेगी। जहां तक बात आपने निकाय चुनाव की तो आने वाले उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अगर सबसे ज्यादा तैयारियों के मामले में आप तेजी किसी पार्टी के अंदर देख रहे होंगे तो वो आम आदमी पार्टी है। अच्छा, बीजेपी क्यों लड़ते हैं आप? सपा नहीं लड़ेगी आपसे?
आप देखिए बाकी पार्टियों के बारे में क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी आपकी प्रतिद्वंदी है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पटल पर अगर कोई ढंग से भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डाल के हिम्मत कर रहा है चुनौती देने का तो आम आदमी पार्टी कर पा रहे भैया। एक प्रदेश की बात है, यहाँ पर बिल्कुल समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में काफी हद तक दिखाया भी है, अपना दम दिखाया, अपनी ताकत दिखाई है और विपक्ष मजबूत रहे तो हम चाहते हैं। हम तो व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति के लिए आए ही हैं, लेकिन पूरा देश नहीं। देखिए गठबंधन तो हम खाली जनता से करते हैं। आम आदमी पार्टी का सीधा क्लियर कट मामला है कि जनता के अलावा वो किसी और के साथ गठबंधन करने के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। ये जोड़ तोड़ की राजनीति, ये तोड़ फोड़ की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं जानती है। आम आदमी पार्टी काम और मुद्दों की राजनीति जानती है और जनता के साथ हम करेंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी अब पूरी तैयारी के साथ आ रही है। गुजरात चुनाव हमने निपटा लिया है, अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश को पूरी तैयारी के साथ, पूरे ढंग के साथ ये नगर निकाय चुनाव लड़े जाएंगे और तैयारियां आप देख ही रहे हैं। तैयारियों में अभी 762 जो नगर निकाय की इकाइयां हैं, हर जगह आम आदमी पार्टी ने सम्मेलन किया, झाड़ू की चलाओ यात्राएं निकाली और आगे भी। सबसे पहले मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पहली सूची जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्याशियों की जारी होगी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से होगी, पूरी मुकम्मल तैयारियों के साथ, दमदारी के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव में हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, पवन जी बहुत शानदार मूल्यांकन आपका रहता है, जो मूल्यांकन आप करते हैं तो हम डिबेट में देखते रहते हैं, वही मूल्यांकन सामने भी आता है। अब जो जीत मिली है उसका मूल्यांकन, जो हार हुई है उसका मूल्यांकन और जो अब होने वाला है निकाय चुनाव 24 के लिए कैसे देखते? गौरव जी जी, भारत की राजनीति जी सहानुभूत पे होती है जी। ये जीता जाता उदाहरण अभी जो 3 उपचुनाव थे इसे ले सकते हैं आप जी। और कुछ नहीं था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जी का देहांत हुआ था जी। उस क्षेत्र में देखिए संवेदना होती है जी और सहानुभूत होती है जी। चाहे खतौनी की बात करें जी या फिर मैनपुरी की बात करें जी। और तीसरा रामपुर भी था, रामपुर थोड़ा अलग था, अच्छा। उससे अलग था और इसके बारे में हम इसके पहले डिबेट पे आपके हम बता भी चुके हैं जी। मैनपुरी की बात करें तो वहाँ निश्चित था कि वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहाँ से विजयी होंगी, निश्चित था, लाखों वोट से होंगी, पहले बताया था, हुआ भी। खतौनी की बात करें अगर हम, वहाँ पे RLD के उम्मीदवार थे और मेहनत भी था लेकिन उसका कहीं ना कहीं फायदा ये था कि वहाँ समाजवादी पार्टी का मेहनत कम, वहाँ संवेदना और सहानुभूत समाजवादी पार्टी का था, लेकिन वहां उनकी पार्टी रालोद जो है मेहनत कर रही है, ठीक है, ठीक बढ़िया कर रही थी, उसका उनको रिजल्ट मिलना था। ये भी हमने आपको बताया था कि हाँ वहां उनकी जीत लगभग निश्चित है और चाहे 10-12 हजार उससे जीतेंगे जी। अब हम रामपुर पे आते हैं, रामपुर में भी हमने बताया था कि जो आजम खान की वहां पे जो हुकूमत चल रही थी, लोगों की जमीनें जो कब्जा कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग, अभी जैसे चर्चा हुई यहाँ पे, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे थे, समझे, चुनाव आयोग पे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी पे नहीं, ना आम आदमी पार्टी पे, ना कांग्रेस पे, ना सपा बसपा की बात नहीं हो रही, चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग पे भी आपको विश्वास नहीं है तो आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? आप अगर 2 सीटें आपको मिल गई है तो चुनाव आयोग की देन है, अगर चुनाव आयोग गलत करेगा तो हर जगह करेगा। आपने बताया कि वहां से मीडिया को निकाल दिया गया, हमारे यहाँ रिपोर्टर को तो नहीं निकाला गया, तो ये दुष्प्रभाव। और चुनाव आयोग के बारे में ये कहना उचित नहीं है। देखिए होता क्या, बूथ बाई बूथ खुलता है, उनके यहाँ का जो है आपके जहां से 187-188 वोट मिला प्रत्याशी को, तो ये भी एक है हार, भी एक ऐसी हार है कि अपने बूथ को भी नहीं बचा पाए भाजपा प्रत्याशी। अच्छा, तो लेकिन अब उसके ऊपर हम चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएं ये उचित नहीं है। आप जमीनी स्तर पे अहंकार नहीं होना चाहिए और इस चुनाव से 2024 का आकलन भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये तीनों चुनाव सहानुभूत पे थे, इसका ना तो 2024 से कोई लेना देना है, ना ही जो भी मेयर का चुनाव आएगा उससे कोई लेना देना है। ये अब आप बताएगा, ये जो मेयर का चुनाव होगा ये 2024 का आकलन बता देगा कि हाँ उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। क्या कहेंगे सपा प्रसपा? देखिए शिवपाल चाचा जी हैं, वो भतीजे हैं, दोनों एक हैं, एक ही परिवार के सदस्य, भानी भले ही जो है मन नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती मिलाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अभी शिवपाल जी के लिए आया था, उस समय भी हमने आपसे चर्चा किया था, पर्सनली चर्चा किया था कि शिवपाल जी को टिकट की मांग हो रही थी, सुपाल जी ने टिकट मांगा था बाप अपने लिए और बेटे के लिए। अच्छा। लेकिन बीजेपी ने टिकट उनको नहीं दिया, मैनपुर से भी उनकी टिकट की मांग थी। आप तो उनके भाजपा के नेता लोग कहना शुरू कर दिए जी,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है, आपका नहीं बना, आप भी तो खरीद रहे थे किसी को जी। ये भाजपा को भी सोचना होगा कि उनके यहाँ कार्यकर्ता की कमी नहीं है, लड़ने वाले की कमी नहीं है जी, अपने लोगों को लाए, लेकिन ये अहंकार नहीं पालना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है और जो भी मेहनत करेगा जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, पक्ष उसी के बीच आएगा, पक्ष में ये आएगा, जो भी सफलता आएगा उसी के पक्ष में आएगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। गुरु जी कैसी भाई, आप कुछ बोल रहे थे नितिन भाई की बात पर जी, बोल लीजिए भाई। आप ये क्यों कह रहे थे कि गिना चुना समय रहेगा, कुछ दिन रहेंगे यहाँ पर, चाचा भतीजे का प्रेम रहेगा भाई, अगर जुड़ गए हैं, ये जुड़ाव हो गया तो आपको क्या दिक्कत है, क्या दर्द है भाई आपको? देखिए गौरव जी जी, दिक्कत कोई नहीं है। हाँ, दिक्कत तो एक दूसरे को समाजवादी पार्टी और प्रसपा पैदा कर रहे हैं। अच्छा, जब 2022 का इलेक्शन था, इसके पहले गठबंधन हो गया शिवपाल जी का और अखिलेश यादव जी का, एक साथ गाड़ी में बैठ के घूम रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ एक सीट मिली चुनाव में। उसके बाद में आरोप किसने लगाया? आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही है। अच्छा, आरोप तो शिवपाल जी ने ही लगाया अखिलेश यादव पर कि कोई सम्मान नहीं है, मैं अपमान का घूट पी करके भी लगातार बना रहा, और ये अगर हमारी बात मानते तो शायद इतनी बुरी स्थिति चुनाव में नहीं होती। नितिन भाई कहते हैं चार बर्तन खरकते हैं, कहते हैं चार बर्तन होते खरकते रहते, क्या दिक्कत है? वही बात तो है, नहीं परिवार है जिन्होंने पार्टी को सींचा बड़ा किया, वो जब प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया, वो राज्य अध्यक्ष बन गए शिवपाल जी को पार्टी से बाहर कर दिया, जो कुछ मंच पे हुआ, जो कुछ झूठम बाजार हुआ, वो मीडिया ने बताया, सबने देखा, छुपा हुआ थोड़ा रहा। उसके बाद फिर जब एक हुए, फिर जब 2022 एक हुए, उसके बाद फिर विचार मत करिए भाई, अपने अपने दल को देखिए, हुए कौन किसको सम्मान मिल रहा है, किस पर अडवाणी जी बेचारे कहां पर है, जोशी जी कहां पर है, छोड़िए सब बातों को, कब तक रहेंगे भाई, तुरंत बच गया है जी, आप तो कहते रहे, आपको दोबारा उसका एंजॉय करिए, कब तक रहेगा, ये सब बातें दोबारा होंगी, बर्दाश्त कर पाएंगे एक दूसरे के कोई बोल रहा है साथ में जी, बोलिए बोलिए बोले। गौरव जी दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी के साथी और रालोद के साथी एक ही बात कह रहे हैं कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, तो अगर प्रशासन चुनाव लड़ रहा था तो आप दो सीटें कैसे जीत गए, कहां लड़ रहे थे, मतलब चित्त की अपनी पार्टी की अपनी दो बातें कैसे हो सकती है, आप बताइए, आपके सीओ राकेश सिंह ने खतौली में, अगर चुनाव साफ सुथरा नहीं था, आधार कार्ड को रिजेक्ट करके कहा साहब इसके ऊपर आप वोट नहीं डाल सकते, घूस देके जीते, मतलब आधार कार्ड पे वोट नहीं डालेंगे, अगर चुनाव आयोग मतलब कहने का ये है कि आप लाठियां चलाएंगे, दो सीटें आप जीते हैं, 60 वर्ष उम्र की महिलाओं का फ्रैक्चर कर दिया गया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब जिला प्रशासन की कोई गलत बात नहीं है, कारण ये परंपरा तो आपने शुरू की, क्योंकि आपने तो अधिकारियों को अपने यहाँ विधायक और मंत्री बनाना शुरू कर दिया, तो अधिकारी ये समझते हैं कि अगर हम इनकी चमचागिरी या चापलूसी करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमारा विधायक पद का टिकट तो फाइनल ही है, टिकट तो फाइनल ही है, और उसके बाद मंत्री बनेंगे। आप देखिए आपके यहाँ जो नौकरशाही में लोग थे वो आज मंत्री बने हुए बैठे हैं, आपके विधायक बने हुए बैठे हैं, वो क्यों नहीं करेंगे आपके पक्ष में और आपकी एजेंटगिरी, वो तो करेंगे ही करेंगे। आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, जिला प्रशासन पर्याप्त है, वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन चुनाव आयोग को एक एक बात से अवगत कराया जाए, उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, पुलिस को अधिकार कब से हो गया कि मतदाता का रास्ते में पहचान पता चेक करेंगे, उसका आधार कार्ड चेक करेंगे, अरे पीठासीन अधिकारी होता है वो चेक करेगा, पुलिस रास्ते में चेक करेंगे, रास्ते में आधार कार्ड चेक करेंगे, अगर कोई चेक करेंगे अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई कर रहा था तो उसका तुरंत संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं की गई, और अगर कार्रवाई नहीं की गई है, लखनऊ में
समाजवादी पार्टी के हमारे नेता जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलते हैं तो 20 मिनट तक वो जवाब नहीं दे पाते हैं, मतलब वो बोल नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। भाई क्यों नहीं आप बोलते हैं, क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? ये जो झूठ और फरेब किया इन लोगों ने, हमारे विधायक कहते हैं लगातार झूठ और फरेब बता रहे हैं। जो विजुअल सोशल मीडिया पे निकले हैं, जो रिटर्न में हमने शिकायत की है, जो हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने गया है, उसको आप झूठ और फरेब बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झूठ और फरेब राष्ट्रीय लोक दल के नेता अभी बालियान जी ने सदन में उजागर किया है कि आपने कहा था कि किसानों को हम जिनकी मौत हुई थी, आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जिनको कुचला था उनको नौकरी देंगे नौकरी, और एक पत्रकार की हत्या की थी उन्होंने, उनको कहा था कि नौकरी देंगे और 10-10 लाख रुपए घायलों को देंगे। ये तो फरेब आपका उजागर हमने किया सदन के अंदर, और आज उसी मसले को हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने राज्यसभा में उठाया है। आप जवाब तो दीजिए, आपकी सरकार जवाब नहीं देती। आपके इतना फॉरेस्ट और आपके इतना झूठ बोलने वाली सरकारें तो आज तक देखी ही नहीं गई श्रीमान जी। कहां है? बारी बोले। अगर देखिए गौरव जी, सिर्फ और सिर्फ एक समस्या है यहाँ पर जी। समस्या ये है कि इन्होंने जो तैयारी की थी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ रहा है, अच्छा चुनाव आयोग पे फोड़ रहा है, हार होनी ही नहीं थी। समस्या अभी आ गई, हमारी जीत होनी थी, हार होनी कहां थी? तो हार का ठीकरा फोड़ रहा था। सुन लीजिए हो हल्ला मत करिए, जवाब सुनिए। मैं बस आज चाह रहा हूँ आप साथ साथ सुनते जाइए, लेकिन आप लगातार बोल रहे हैं। लगातार बोल रहे हैं हल्ला बोल कर रहे हैं। अरे अपनी बारी में बोलेंगे ना, हल्ला बोल तो अब जारी रहे। केसी जैन तो नहीं बन जाएंगे? अच्छा केसी जैन तो आप नहीं बन जाएंगे? अच्छा नहीं, वेद प्रकाश मिश्रा भी आप नहीं बन सकते, ये भी आप ध्यान रखिए। को रखने दो ना, आप केसी जैन है, केसी जैन ही रहेंगे, लेकिन वेद प्रकाश आप नहीं बन सकते हैं। अच्छा लोगों के जैसे मुद्दों की लड़ाई लड़ने की क्षमता आपके नहीं है फिलहाल। ठीक है कैसे बोलिए, जल्दी बोलिए जी। देखिए इसको चुप करिए तो मैं बोलूं, बोलना करेंगे तो कैसे बात है। इधर भाई भी मूड बना के बैठे बोलने का, भाई जल्दी बोलिए जी। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक भड़ास निकाल रहे हैं। अच्छा रामपुर सीट ये हारे, अच्छा लेकिन दो सीटें समाजवादी पार्टी जीती जी, खेतौली भी जीती और मैनपुरी भी जीती जी। मैनपुरी में तो जिस प्रकार से सहानुभूतिपूर्वक वोट था उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है जी। लेकिन इन्होंने, इनको तो ये लग रहा था क्योंकि जिस प्रकार से आजमगढ़ और रामपुर हारे थे, और इसके पहले चाहे डिप्पल जी स्वयं हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे अक्षय यादव हो, चुनाव हार चुके थे 2019 के इलेक्शन में, तो इनको ये लगता था कि चुनाव हार जाएंगे तो इसलिए पहले से भूमिका बना ली थी कि अरे बेईमानी हो रही है, अरे हमको वोट नहीं डालने दे रहे, अरे हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हो गया, अरे वहां देखिए जाके उनके घर में घुस गए पुलिस, अरे पुलिस ने वोटर कार्ड छीन लिया। यानी कि पूरी भूमिका बना ली थी कि पुलिस प्रशासन ने चुनाव हरा दिया, लेकिन चूंकि चुनाव साफ सुथरा हुआ, चुनाव ही जीते। अब उस जीत को भी नहीं पचा पा रहे, अब ये सोच रहे हैं कि हमने जो पहले झूठ बोला था, जो फ्रॉड किया था, जो एक माहौल बनाया था, उस माहौल को सही सिद्ध कैसे करें, इसलिए चुनाव जीतने के बाद भी छटपटाहट है कि हम चुनाव हार क्यों नहीं गए, हमें तो चुनाव हारना था। अच्छा। हार जाते तो कम से कम आरोप लगाते चुनाव आयोग पे, भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन चुनाव जीत गए तब भी वही छटपटाहट है। केसी भाई से हिमाचल की हार बर्दाश्त करने वाली से मानसिक स्थिति कुछ बिगड़ी जा रही है। अब ये गौरव जी हिमाचल की हार बर्दाश्त करने वाले चुनाव लूटने के आपने सारे प्रयास किए जैन साहब, आप चुनाव हार गए, आप कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत गए, चुनाव जीत गए, हमने वो सीट आपसे छीनी है, वो सीट तो आपकी थी, हमने सीट आपसे छीनी है। और रही बात झूठ और फरेब की, क्या आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भी कोई झूठ और फरेब बोलने वाली पार्टी देश में है? आप इसको नोट करके रख लीजिए और इस बात को जनता बखूबी जान चुकी है। ठीक है और इस बात का ध्यान रखिए, अभी चुनाव में इसका परिणाम आएगा,
और 24 में आप देखिएगा क्या रिजल्ट। गौरव जी, गौरव जी, इतना खून खराबा होता था, समाजवादी पार्टी लंबे समय तक बात करती रही। केसी जी बोलना चाह रहा है, केसी जी, बैलेट सुसराओ, अरे बैलेट सुसराओ क्यों हो, क्योंकि खून खराबा करना चाहती थी समाजवादी पार्टी, लूट करना चाहती थी। आज लूट का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि आज ये मशीन से वोट पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी लंबे समय तक मांग करती रही बैलेट सुसराओ, बैलेट सुसराओ, बैलेट सुसराओ, और इनके तमाम सारा इनका संगठन भी है जो ये चलाता है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आज भी समाजवादी पार्टी का एक संगठन जो है सोशल मीडिया के द्वारा इसकी मांग करता है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पे हो, जिससे लूट कर पाए, गुंडागर्दी कर पाए, सीधे सीधे पूरा पूरा बैलेट लूट ले जाए। अब नहीं होने वाला है, अब गुंडागर्दी का समय खत्म हो गया है। नितिन भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, अब चुनाव होगा साफ सुथरा चुनाव होगा। कैसी जो जीतेगा, जिसको जनता जीतेगी। पवन जी कुछ बोल रहे हैं, नितिन भाई की बात को लेकर जिसको जनता हराएगी। कैसी जैन जी, जी कैसी जैन जी, जी और हमारे प्रवक्ता महोदय, एक एक लाइन की हम मुहावरा सुनाना चाह रहे हैं जी। अधजल गगरी छलकत जाए, ध्यान दीजिएगा, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी की भी भाजपा के भी हैं और रालोद के भी, आम आदमी पार्टी के सभी लोग हैं, कुछ तो जश्न बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीखने की आवश्यकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट गवा दी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में। इसके बाद में एक बड़ी बैठक दोपहर 1 बजे से चल रही है, ध्यान दीजिएगा सर, दोपहर 1 बजे से बड़ी बैठक चल रही है, 3-3 बैठकें हो चुकी हैं यहाँ से लेके केंद्र तक, कि क्यों हम कैसे गए, हमारे दलित वोटर्स कहाँ गए, दलित वोटर्स जो है समाजवादी पार्टी में चले गए, क्यों चले गए, क्यों हम लोग विकल्प नहीं कर पाए, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए हम, ये आज उस पे चर्चा कर रहे हैं, अपने हार पे चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इन अच्छाइयों को समझने की आवश्यकता है, यहाँ पे अधजल गगरी छलकत जाए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपकी भी अगर कमियां हैं, अगर आप 1 सीट जीत के आए हैं तो ये मत मानिए कि आप जीतते जा रहे हैं, आप अपनी कमियां ढूंढिए जहां पे आप आ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता है। रही बात चुनाव आयोग पे उंगली उठाना उचित नहीं है, सभी दल से हम निवेदन करेंगे कि वो समय गया जो आप 10 साल 15 साल पहले करते आए थे, अब वो संभव नहीं है। अब आप विश्वास करिए और जनता के अंदर जाइए, मेहनत करिए, और इसका जीता जाता उदाहरण आम आदमी पार्टी है जो दिखा दिया, अन्य राज्य में दिखा दिया है, ये आवश्यक है। हमारे पार्टी में एपिसोड मिल गया। नितिन भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बात छोटी सी बात मैं बोल लीजिए पवन जी की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। हमारा लोगों का ये आरोप है कि जिला प्रशासन ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और उसकी जांच कराए और कार्रवाई कराए। इसमें चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाने का चुनाव जीत नहीं पैदा होता। हमने चुनाव आयोग को पूर्ण रूप से जो भूमिका समाजवादी पार्टी ने बनाई थी उसमें सफल नहीं हुई। आपके सहयोगी, आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के प्रभाव बताइए कि मैं तो चुनाव आयोग ही जा रहा हूँ। अभी ये कहा है कि चुनाव आयोग से ही कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग हमारे पत्र का संज्ञान ले, सोशल मीडिया पे जो फोटो वायरल हुई उनका संज्ञान ठीक है, हमने लिखित में दिया है, बाकी मेहमान भी है भाई, इमरान भाई यहां बैठे हुए हैं, इनकी भूमिका संदिग्ध है, ये मेरा आरोप है। नितिन भाई जल्दी बोलिए, इमरान भाई को लेता हूं, बोलिए जल्दी बोलिए नितिन भाई जी। नहीं जल्दी देखिए, दो बातें बार बार यही उठ करके आ रही है। एक तो केसी भाई बार बार ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके को भाषा बोल रहे हैं, मैं उस पर बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँ। मेरा दो बातें कहना है कि चुनाव आयोग पर उंगली उठाना एक अलग बात होती है। मैंने ये पूछा कि चुनाव आयोग ने पुलिस को ये राइट कब से दे दिए कि रास्ते में जो मतदाता जा रहा है उसका आप आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे, उसका आधार कार्ड चेक करेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे। ये जो था ये प्रशासनिक जो अव्यवस्था थी, प्रशासन की गुंडागर्दी थी, इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अभी हमारे साथी वेद प्रकाश जी कह रहे थे, जिस तरह के घटनाएं बता रहे थे कि 60 साल की महिला का बेचारे का हाथ तोड़ दिया गया, आप किसी घर में घुस जा रहे हैं वोट लेने देने जाना है, तो इस पर क्या प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए? जीत जाने का मतलब ये नहीं हो गया कि हम लोग अव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और अभी कह रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कि हम जो बैलेट पेपर तो इसमें क्या लूट हो जाएगी प्रतिनिधिमंडल गया
गौरव जी एक बात कह रहे पुलिस को हमारा प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में बैठक का गया आदरणीय चुनाव आयोग से मिला जाकर के और वहां पर कुछ घटनाओं का सीधे सीधे जिक्र करके हवाला कर रहे थे कि भैया ये घटनाएं हुई आप तत्काल वहां के जिला प्रशासन को बताया नहीं थे लेकिन जिस तरीके से वहां माननीय अधिकारी महोदय बैठे थे आयोग के वो लगातार टालमटोल कर रहे थे उसके मतलब देख लिया है हमारे विधायक सरकार की बात क्या देखे भाई सब लोग बारी बारी बोले हो गया भाई एमसीडी चुनाव भी हुए दिल्ली में वहां पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं किया आपसे भी संज्ञान ले लें चुनाव आयोग पे आप भी प्रश्न थोड़ी उठाएंगे देखिए आम आदमी पार्टी ने कभी सीधे सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पे सवाल नहीं उठाए हैं जब भी कोई इस तरह की घटना हुई है तो बिल्कुल हमने बिल्कुल जिस तरह की घटना जैसे गुजरात के कुछ जगहों पे मिला जब हमारे एक चुनाव हमारे एक प्रत्याशी का जबरन पर्चा वापस कराया गया उस घटना पे हमने विरोध किया हमने चुनाव आयोग से शिकायत भी की हमने हर प्लेटफॉर्म पे शिकायत करने का काम किया तो जहां अव्यवस्थाएं दिखी जहां कमियां दिखी जहां दिक्कतें दिखी तो उस मामले पे हमने बिल्कुल जैसी आवाज उठाई जानी चाहिए हमने उठाया उस आवाज को तो कुल मिलाकर जहां जहां कमियां रह जा रही हैं और जो प्रशासनिक दिक्कतें आई हैं मैं कह रहा हूं इसमें इसमें तो केसी जैन साहब को दिक्कत क्या है भाई अगर अगर ये कुछ शिकायत कर रहे हैं जिला प्रशासन की शिकायत है चुनाव आयोग तो इनको भी साथ आना चाहिए भी एक पॉलिटिकल पार्टी है कल अगर सरकार इनकी नहीं रहती अगर जिला प्रशासन कोई गड़बड़ी कर रहा है तो जाहिर सी बात है जिला प्रशासन तो सत्ता शासन के साथ चलता है कल का इनके साथ भी समस्या आ सकती है तो कम से कम अगर ऐसा कुछ है तो एक बार ईमानदारी से जांच हो जाए और जांच के आधार पर कार्रवाई हो जाए इसका इनको भी समर्थन करना चाहिए अगर ये यहां समर्थन नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते तब तो लगेगा दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला है कहीं ना कहीं ये लगेगा मैं ऐसा कर अगर ये निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करते हैं ये कार्रवाई कराने की मांग नहीं करते हैं तब बिल्कुल लगेगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका साफ साफ दिखेगा ये जो बौखलाहट दिख रही है जैसे कहीं ना कहीं शक लग रहा है कि प्रशासन का इस्तेमाल हम चुनाव आयोग को बिल्कुल नहीं कह रहे लेकिन ये तो हर एक आदमी छोटा बच्चा भी उत्तर प्रदेश का जानता है कि जो यहाँ की पुलिस होती है वो सरकार की गुलाम की तरह से काम करती है सरकार का जो निर्देश रहा होगा वहाँ के जो है दरोगा जी ने पूरा किया होगा इसमें कौन सी नहीं बात है अच्छा। अगर ऐसा नहीं अगर इनकी तरफ से कोई निर्देश भाई दरोगा जी अपने मन से कर रहे थे अपने मन से कर रहे थे सवाल लड़ी पे जवाब दीजिएगा बोलिए क्या बोलना चाह रहे बताइए इमरान भाई के लिए नहीं नहीं देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती क्यों जा रही अच्छा गुजरात कहां जीते यार एमसीडी में इतनी बुरी तरीके से हरा दिया आपको हिमाचल प्रदेश आप हार गए दिल्ली हरा दिया आपको पंजाब में हरा दिया कहां आप जीतते जा रहे हो अरे गुजरात आपका घर था वहां जीत गया बड़ा अरे बहुत ज्यादा अरे इसीलिए इनके लिए एक शेर कहता हूं मत घुमाकर अपनी जीत पर है बीजेपी वालों आपकी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं गुजरात के अंदर तो हम तो सबसे ज्यादा चर्चा तो हमारी हार की हो रही है उतना आपकी जीत की नहीं हो रही है अच्छा, मेरा ये कहने का मतलब सवालों का जवाब दीजिए आप अरे आप तीन चुनाव हुए अगर उपचुनाव को मान ले तो चार चुनाव हुए एक चुनाव आप जीते हो तीन चुनाव हारे हो कौन से बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने अरे एक जगह आम आदमी पार्टी जीत गई एक जगह कांग्रेस पार्टी जीत गई एक जगह समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत गया एक जगह आप जीत गए सब जीते यहाँ कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने कांग्रेस हार गई कांग्रेस हार गई अरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीती ना तो सब तो जीते हैं कहीं ना कहीं तो आपने कौन सा तीर मार दिया तो कहने का मतलब ये जो प्रोपेगेंडा वाली राजनीति है बोले, 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 ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है एक सवाल का मैंने जवाब पूछा अगर जिला प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहे एक निष्पक्ष जांच हो जाए अगर कुछ दरोगा दरोगी कहीं पे किसी मामले में अगर है वाकई इनकी उसमें मंशा नहीं थी तो कार्रवाई कर दें अगर कार्रवाई नहीं हो रही है निष्पक्ष जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच की मांग नहीं कर रहे हैं तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका रहेगा दाल में कुछ ना कुछ काला है या मैं भी कहूंगा इस बात को ठीक है झूठ और फरेब के आगे कोई चीज किसी की चलती है क्या ये जो फिर मैं वही बात कह रहा हूँ और कोई बीच में बोले ना लास्ट कमेंट है मेरा ये गौरव जी देखिए ये भूमिका सिर्फ इसलिए बनाई गई थी अच्छा क्योंकि इनको लग रहा था कि चुनाव अरे भाई मैं कह रहा हूँ भूमिका किसी भी वजह से बनाई गई हो एक लाइन की बात है अगर जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है अगर उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए इसमें आपको आपत्ति किस बात में है क्या बात है अरे कल का आप तो यही बात हमसे कहते थे ना कह रहे भाई सीबीआई जांच कर रही है ईडी जांच कर रही है आपको क्या तकलीफ हो रही है अब आप अगर बूथ लुटवा रहे थे ऐसा समाजवादी पार्टी के साथी इल्जाम लगा रहे हैं रालोद के साथी अगर इल्जाम लगा रहे हैं
चुनाव आयोग तक पे इल्जाम लग रहा है, एक स्वतंत्र संस्था को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, सारा का सारा संवैधानिक ढांचा गिराया जा रहा है, लोकतंत्र की अगर हत्या हो रही है, अगर अगर चुनाव आयोग ही ठीक नहीं रहेगा, जैसा समाजवादी पार्टी के लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप के लोग जैसे रालोद के लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे हम कह रहे हैं जवाब दे दीजिए, दे दीजिए मिश्रा जी को जवाब, दे दीजिए यादव जी को जवाब, जांच करा लीजिए, क्या दिक्कत है जांच कराने में, बोले बोले को ना चुप करा पा रहे हैं ना तो आप डिबेट जो है कंटिन्यू हो पा रही है, बोले बोले लगातार लगातार दो ही लोग बोल रहे हैं, नहीं बोल पाएंगे अपने मन से, आप आम आदमी पार्टी आ गए बोले बोले पटल पे, बोले कैसे भाई, अब ऐसे नहीं बोल पाएंगे, बोले कैसे भाई, बोलिए विपक्ष मिल गया हर जगह टेटुआ दबाएगा आपका, जी जी बोलिए कैसे बोलिए, आप समझ जाइए ऐसे बोलिए कुछ भी बोल के नहीं निकल जाएंगे, बोलिए 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 बोलिए, अब वो कांग्रेस पार्टी वाला विपक्षी राजनीति का जमाना गया, अब आम आदमी पार्टी आ गई, जवाब देना पड़ेगा जी, बताइए जिला प्रशासन, जिला प्रशासन के ऊपर अगर सवाल उठ रहा है तो आप जांच कराने से क्यों भाग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिला प्रशासन का अगर नहीं आ रहा है तो आप जांच से क्यों भाग रहे हैं, एक स्टेटमेंट मेरा नहीं आने दे रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, किसी भाई बताइए कि जिला प्रशासन किसी भाई जल्दी बोलिए, अगर संदिग्ध है तो जांच कराने में दिक्कत क्यों आ रही है, बोले बोले आप बैठे जाए जी, बोले देश की जनता देख रही है, आप भाई बोलिए बोलिए, आप बिल्कुल आप बैठे हैं भाग गए, लेकिन जवाब देना पड़ेगा, आप सरकार है, आप पता चला कुछ कैसे हो रहा है जी, विपक्ष की राजनीति अभी तक दरअसल हो रही थी 2014 के बाद से, अब आम आदमी पार्टी बताएगी विपक्ष की राजनीति कैसे होती है, सवाल कैसे पूछा जाता है, जवाब कैसे दिया जाता है, ये आम आदमी पार्टी बताएगी, या तो जवाब दोगे या तो भागोगे, एक लाइन का जवाब दीजिए, एक लाइन का जवाब दीजिए, जिला प्रशासन की भूमिका अगर संदिग्ध है तो जांच कराने में दिक्कत क्या है, भाई इमरान जवाब दीजिए, प्रशासन अगर भाजपा को जिता रहा था तो आप फ्रॉड करके जीते हैं, इसका मतलब अगर प्रशासन भाजपा को नहीं जिता रहा था तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं, अगर प्रशासन की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है जैन साहब, तो आप ये कहिए कि हम भी राजनीतिक दल हैं, प्रशासन के भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आप ये बात आज कहिए इस चैनल के ऊपर, आप सुनिए, आप सभी प्रवक्ता महोदय ध्यान दीजिए, सुनिए अधूरी जानकारी रखते हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों दल लोग जो है चुनाव आयोग तक जा चुके हैं, इस प्रकरण को रख चुके हैं, जो दरोगा था मेरी बात समझिएगा, आप लोग अधूरे जानकारी में है, वो दरोगा था उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, ये आज सुबह ही हुआ है, बिल्कुल प्रायोजित था, किधर था वो दो दिन बाद पता लगेगा जी, उसके ऊपर कार्रवाई हो चुका है, किसी भाई बोलिए इसको आप जानकारी रखिए, राकेश सिंह सीओ के ऊपर पवन जी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अरे तो हमने संज्ञान लिया जाएगा, जिला मांग उठा रहे वो सारे जांच के बिंदु है, तत्काल तो नहीं हो जाएगा, जांच के बिंदु उस पर कार्रवाई होगी, बार बार की जा रही है, लेकिन अगर आप चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए, क्या आरोप लगाए चुनाव आयोग पे, ये तो बार बार आप कह रहे हैं चुनाव आयोग पे आरोप, चुनाव प्रशासन पे आरोप लगाना, जिला प्रशासन आयोग पे आरोप नहीं है, जिला प्रशासन भी किसी का नहीं है, जिला प्रशासन सरकार चुनाव आयोग के अधीन होता है, इसलिए जिला प्रशासन की लापरवाही गड़बड़ी भी चुनाव आयोग की गड़बड़ी ही कही जाती है, कोई चुनाव आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से नहीं कुछ कह रहा है, यहाँ पर आप ये बताइए कि चुनाव आयोग के अधीन ही सारी चीजें होती है, तो अगर जिला प्रशासन गड़बड़ कर रहा है, पुलिस का अधिकारी गड़बड़ कर रहा है, तो ये प्रश्न चिन्ह सिर्फ चुनाव आयोग पर ही लगता है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि जो परिणाम आए हैं रामपुर में, खतौली में, मैनपुर में, गुजरात में, एमसीडी में और हिमाचल में, परिणाम ऐसे आए हैं कि यहाँ पर सबको खुशी मिली है, हालांकि गम जरूर होगा कि जहाँ पर सत्ता हाथ से गई है, पर मंथन भी जरूरी है, अगर राजनीति में कहीं कुछ गलत नहीं होगा, गम नहीं होगा तो राजनीति कैसी, लोकतंत्र का महापर्व है और यहाँ पर खुशी और गम दोनों तरह का माहौल बना रहता है, अगर हार हुई है तो उसकी जो कमियाँ हैं उसको भी ढूंढा जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अगर हम कमियाँ दुरुस्त नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला है वो चलता रहेगा। अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर ज़रूरी है बदलाव तो बदलाव करिए, अगर ज़रूरी है बदलाव तो बदलाव कीजिए, नहीं तो जो हो रहा है बदलाव उसको स्वीकार कीजिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ बात